रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, राइट हमारा, राइट हमारा, राइट हमारा, हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, राइट हमारा। चाहते हैं कि जो कमेटी एलजी साहब ने बनाई है उसमें वर्ड लिखा है टाइम बाउंड मैनर। वो टाइम बाउंड मैनर को डिफाइन कीजिए कि आप कितना समय लेना चाहते हैं, क्योंकि 15 साल तो हम रैली में अपने दे चुके हैं, अब हमको और कितने दिन सड़कों में बैठ के इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ हमारा ही भविष्य सफर नहीं कर रहा, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो सड़कों में बैठे हैं, जिनको 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, जिन्होंने स्कूल तक नहीं देखा है, वो स्कूल तक गए तक नहीं है, वो कब तक सड़कों पर हमारे साथ बैठे रहेंगे। और मैं एक चीज और आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, एक स्लोगन है जो बहुत बड़ा ही मशहूर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां ही नहीं बचेंगी तो पढ़ेगा कौन? अब वक्त आ गया है कि बेटियों को बचाओ और उनकी पढ़ाई का समाधान भी निकालेंगे। बेटियां कब स्कूल जाएंगी, कब तक हम सड़कों पर बैठे रहेंगे? अगर कमेटी का गठन हुआ है तो उस कमेटी को सीरियसली काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो किसी डीए को या फैमिली को लेके नहीं है, हमारी जान पे बनाई है। श्रीनगर में हम लोग अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास वहां रहने की जगह तक नहीं है, हम रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं, फार फ्लंग एरिया में हमारे एम्प्लॉइज है। अब क्या डिमांड करते हैं आप? हमारी एक ही डिमांड है कि जो कमेटी बनाई गई है वो जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में लेके आए और हमारी जितनी जल्दी हो सकता है फास्ट ट्रैक पे ट्रांसफर वो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में की जाए। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे।